हेलो एवरीवन, लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था जैव प्रौद्योगिकी। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की क्या परिभाषा दी गई थी, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रकार होते हैं, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। अब हम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कुछ तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जैव संवेदक यानी कि बायोसेंसर्स के बारे में। देखिए, बायोसेंसर्स किसे कहते हैं? बायोसेंसर्स का जो आविष्कार था वो सबसे पहले एलएल क्लार्क ने 1950 में किया था। देखो, बायोसेंसर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और सेंसर्स से। सेंसर यानी कि सेंस से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो किसी भी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से बायोसेंसर्स होते हैं यानी कि जैव संवेदक, जो कि क्या होंगे, किससे मिलकर बने हुए होंगे, किसी कोशिका से, सूक्ष्म जीव से, कोशिकांग से, इनके ऊतकों से, इन्हीं से मिलकर बने हुए होंगे। और वो क्या कार्य करते हैं? रासायनिक पदार्थों को यानी कि रासायनिक पदार्थों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया, जैव संवेदक नाम दिया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। जैव संवेदक जैसे ऊतक, सूक्ष्म जीव, कोशिकांग, कोशिका ग्राही, एंजाइम, प्रतिरक्षी, न्यूक्लिक अम्ल आदि, इन सबको हम क्या कहते हैं, जैव संवेदक कहते हैं। एक प्रकार से जैव संवेदक एक प्रकार से जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। जैविक पदार्थों का, जैसे कि एक कोशिका है, कोशिका में बहुत सारी चीज़ें होती है, कोशिकांग होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही है, एक सम्मिश्रण। सम्मिश्रण यानी समान प्रकार का मिश्रण बना रहा है, मिश्रण हो रहा है सभी चीज़ों का, एक तरीके से उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। ठीक है, तो जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है जो रासायनिक एवं घ्राण संवेदनाओं का, जो कि संवेदनाएं हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक चीज़ें हैं, उनको ग्रहण करके ट्रांसड्यूसर यानी कि जो उसको क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। ट्रांसड्यूसर को संवेदों को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। ट्रांसड्यूसर की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जैव संवेदक का क्या कार्य है, रासायनिक जो हैं, जो घ्राण संवेदनाएं हैं, उनको ट्रांसड्यूसर की सहायता से किसमें परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। और वही हमारे क्या कहलाते हैं, जैव संवेदक कहलाते हैं, यानी बायोसेंसर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रक्त ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा रक्त ग्लूकोज को तोड़ता या अपघटित करता है। क्या करेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ देगा या फिर उसको अपघटित करने का कार्य करेंगे। बायोसेंसर्स है जीव की कोशिकाओं का ही कोई कार्य करेंगे। इसी तरीके से हमने एग्जांपल लिया था रक्त ग्लूकोज का, जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में या फिर इसके द्वारा रक्त ग्लूकोज को तोड़ता या अपघटित कर देता है। अब कार्य एवं प्रकृति के आधार पर जैव संवेदक के कई प्रकार हैं। सबसे पहला है फ्लोरोसेंट ग्लूकोज जैव संवेदक, दूसरा है डीएनए जैव संवेदक, तीसरा है ओजोन जैव संवेदक, चौथा है सूक्ष्म जीव जैव संवेदक, पांचवा है मेटास्टेटिक कैंसर कोशिका जैव संवेदक, और लास्ट है नैनो संवेदक सेंसर, यानी कि जो क्या कार्य करेंगे, सेंसर का कार्य करेंगे, रासायनिक या घ्राण संवेदनाओं को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, वो वैद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देते हैं। वैद्युत संकेतों परिवर्तित किसके द्वारा करते हैं, ट्रांसड्यूसर की सहायता से। ठीक है, ये हमारा हुआ जैव संवेदक के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा जैव संवेदक, अब हम पढ़ेंगे जैविक चिप्स के बारे में। देखिए, जैविक चिप्स क्या होती हैं, यानी कि बायोचिप्स प्लास्टिक या ग्लास की बनी हुई होती हैं, एक पतली स्लाइड की तरह होती हैं और उस पर अलग अलग कोष्ठक यानी कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जिसमें हम डीएनए को रख के उसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कि
लैब में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। अब उन बहुत सारी चीज़ों में एक साथ करने की वजह से उनमें काफ़ी सारी चीज़ें उनसे छूट सकती हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो उन मिस्टेक्स को कवरअप करने के लिए बायोचिप्स का निर्माण किया गया। बायोचिप्स में क्या होता है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में एकदम से अध्ययन किया जा सकता है। प्लेट्स की तरह होती हैं, अलग अलग चीज़ों में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का डीएनए लिया गया, उस डीएनए की जांच के साथ साथ अगर मान लीजिए उस व्यक्ति में कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में भी उसकी ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार की बीमारी है और उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो बायोचिप्स एक तरीके से कम समय में और अधिक से अधिक जानकारी हमें साइंटिस्ट को प्रोवाइड करती है, और इसका प्रयोगशालाओं में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशंस की, तो बायोचिप्स को डीएनए माइक्रोएरे सूक्ष्म व्यूह भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह है जो ठोस से जुड़ा रहता है, तथा इस तकनीक का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा एक साथ एक ही समय में अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के स्तरों के मापन हेतु किया जाता है। यानी कि मैंने आपको डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि डीएनए अणुओं का संग्रह है, यानी कि बहुत सारे डीएनए को एक साथ लेकर एक साथ उनका क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, और प्रयोगशाला में साइंटिस्ट उसके थ्रू उसके हिसाब से आगे की तकनीक तैयार कर सकते हैं। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, यानी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी तकनीक है जिससे कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिल सकती हैं। ये जो बायोचिप्स होती हैं, ये सोडा ग्लास, प्लास्टिक, सिलिको संयुक्त क्वार्ट्स आदि की बनी हुई होती है। ठीक है, उसी तरह दूसरा है जीन चिप। जीन चिप क्या है, यह एक सूक्ष्म चिप है जिस पर द्विकुंडलित डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाली अन्वेषी डीएनए के बिंदु चिपके रहते हैं। ठीक है, जीन चिप को स्टीफन पी ए फोडोर व उसके साथियों ने 1991 में विकसित किया। तो जीन चिप क्या है, मैंने आपको बताया अभी कि जैसे कि जैविक चिप्स थी, बायोचिप्स थी, उसमें डीएनए अणुओं का संग्रह था। ठीक है, उसी प्रकार जीन चिप भी क्या है, छोटी सी ही स्ट्रक्चर होती है, मतलब छोटी स्लाइड्स होती हैं, उन पे क्या किया जाता है, द्विकुंडली डीएनए का आधा हिस्सा बनाने वाली, मतलब जैसे कि हमने रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, रेप्लिकेशन में भी क्या होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। अब वो एक डीएनए से दूसरा डीएनए कब बनता है, जब उसके प्रोटीन क्षारक अनुक्रम उसके आसपास आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मानव का डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, तो द्विकुंडलित डीएनए का आधा पार्ट, यानी कि आधा हिस्सा लिया जाता है, एक ही लड़ ली जाती है, और उसके आधे के ऊपर, आधे के सामने जो बिंदु लगे हुए होते हैं वो उसके अनुक्रम यानी कि क्षारक अनुक्रम के अनुकूल लगे हुए होते हैं, और उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी जीन चिप और जैविक चिप्स के बारे में। ठीक है, तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। जैविक चिप्स और जीन चिप के बारे के बाद अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म व्यू के प्रकारों के। तो पहले हम पढ़ेंगे डीएनए सूक्ष्म व्यू, यानी कि यह आकार में छोटा होता है। इसमें कांच के अवस्तर पर लगभग 400,000 छोटे छोटे कोष, यानी कि कोष मतलब सेल की तरह छोटे छोटे बहुत छपी हुई रहती हैं। प्रत्येक कोष में डीएनए का सूक्ष्म बिंदु पाया जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु में विभिन्न जीनों की एकल रज्जु डीएनए अनुक्रम पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक 400,000 से लगभग 400,000 के करीब इसमें कोष्ठ बने हुए होते हैं। उन कोष्ठों में सभी में क्या पाया जाता है, डीएनए बिंदु, और एक डीएनए बिंदु में एकल रज्जु डीएनए अनुक्रम पाया जाता है जिससे कि उस डीएनए का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन सूक्ष्म व्यू। यह संलग्नी आबंधन आमापन पर आधारित तकनीक है जो विलयन में उपस्थित लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं के साथ बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। यानी कि विलयन में जो उपस्थित अणु है, जो लक्ष्य अणु, जो यानी कि टारगेट है, टारगेट अणु जो है, और स्थिर अणु, उनके मध्य जो क्रिया होती है उससे जो उत्पाद बनते हैं उन पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका उपयोग न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, संलग्नी ग्राही औषध प्रोटीन तथा एंजाइम अवस्था अन्योन क्रियाओं के अध्ययन में किया जाता है। तो ये तो हुए सूक्ष्म व्यू के प्रकार। हमने पढ़ सबसे पहले हमने पढ़ा था जैव संवेदक यानी बायोसेंसर्स के बारे में,
उसके बाद हमने पढ़ा बायोचिप्स के बारे में, जीन चिप के बारे में, सूक्ष्म जीव के प्रकारों के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होता है? बायोफिल्म एक ऐसी परत है जो कि सूक्ष्म जीवों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है। इसका निर्माण कहीं भी हो सकता है, जमीन पर, जल या फिर मुख्यतः इसका निर्माण होता है जानवरों के दांतों पर, यानी कि सूक्ष्म जीवों के लिए होती है। बायोफिल्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और फिल्म, यानी कि बायो का अर्थ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और फिल्म का अर्थ होता है परत से, यानी कि सूक्ष्म जीवों के लिए बनी हुई परत। ये परत उनको अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोफिल्म। बायोफिल्म दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोफिल्म यानी मायो का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और फिल्म का मतलब है परत से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों पर बनने वाली परत, उसे हम क्या कहेंगे, बायोफिल्म कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने माना कि ये कोई परत है, ठीक है, ये कोई जमीन है, इस जमीन पर कोई सूक्ष्म जीव पाया जा रहा है। अब ये सूक्ष्म जीव यहाँ पे आके सब एक साथ समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने पर यहाँ पे एक इनके ऊपर एक परत का या एक आवरण का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, एक आवरण का निर्माण हो जाता है, और वो उसी आवरण को हम क्या कहेंगे, बायोफिल्म कहेंगे। इसका सामान्य अर्थ सूक्ष्म जीवों के ऊपर बनने वाली परत से है। यह एक सतह का निर्माण करती है, ये एक सतह का निर्माण हुआ तभी तो इसके ऊपर सूक्ष्म जीव आके रुके, उन सूक्ष्म जीवों के आगे ऊपर और एक आवरण का निर्माण हो गया। ठीक है, निर्माण करती है जो कि सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ये जो इनकी सतह बनी है, इस सतह पर सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए जो भी आवश्यक तत्व या फिर जो भी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर उसको उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, यह सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों, इंग्लिश में से बोलते हैं EPS, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस द्वारा बनी रहती है। ये परत किसकी बनी हुई होती है, सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं या फिर बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों से बनी हुई। ठीक है, इसे हाइड्रोजेल भी कहा जाता है जो कि एक क्या है, एक जटिल बहुलक। यह सूक्ष्म जीव को पोषण व अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इसका निर्माण जमीन पर, जल पर तथा जानवरों के दांतों पर होता है। ठीक है, क्या कार्य करेगी ये, अपशिष्ट जल उपचार, जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं में मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से बायोफिल्म जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बायोसेंसर्स के बारे में पढ़ा, बायोचिप्स के बारे में पढ़ा, जीन चिप के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म व्यू के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा बायोफिल्म के बारे में। नेक्स्ट हम भारत में जैव प्रौद्योगिकी का क्या कार्य है, क्या महत्व है, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, क्या इतिहास रहा, नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।